सब्सक्राइब करिए हमारे और आपके चैनल वाइजेस टेक को और बेल बटन भी दबाइए ताकि आपकी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। स्वागत 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 एक बार आप सभी का फिर से वाइजेस टेक पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड ओरियो गो एडिशन के बारे में। ये गूगल ने क्यों लॉन्च किया है, इसके बारे में क्या खासियत है, ये सब जानेंगे आज हम इसी वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश, आप देख रहे हैं वाइजेस टेक को। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ तो गाइस, एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन क्यों बनाया गया गूगल की तरफ से? ये बनाया गया है बजट फोन्स के लिए जो कि आते हैं 4-5 हज़ार रुपये तक के। आपको मालूम बजट फोन्स में लिमिटेड रैम होती है, लिमिटेड स्टोरेज होती है। देखो लिमिटेड स्टोरेज की बात करो तो 8 GB तक मिल जाती है, 1 GB की रैम मिलती है। तो उसमें क्या होता है, 3-4 GB तो ये OS खा जाते हैं। जैसे आप उसमें अगर आपको मार्शमेलो मिलता है या फिर लॉलीपॉप मिलता है तो कारण ये है कि 3 GB तक उनकी OS स्पेस रहती है, 500-600 MB प्री इंस्टॉल एप्स की आती है। तो 3.5 GB यहीं गिर गई आपकी, तो और बचा आपका 2.5-3 GB। तो 2.5-3 GB में क्या करोगे आप ज़्यादा ज़्यादा जो उसमें वीडियो डाउनलोड कर लोगे, बड़ी बड़ी ऐप डाउनलोड, तो मोबाइल क्या पूरा जकड़ जाता है, उससे जकड़ जाता है। तो क्या आपको स्पेस नहीं मिलती है, फिर आपको स्टोरेज प्रॉब्लम आती है। तो गूगल ने सोचा कि हम बजट डिवाइसेस के लिए एक नया OS बनाएंगे जो कम कोड पर रन करे और कम स्पेस खाए। तो फिर इसी के ऊपर से एंड्रॉयड गो का आविष्कार हो गया अभी कुछ ही दिनों पहले, और ये आने वाले समय में आपको ये नए बजट फोन्स में देखने को मिल जाएगा। सो गूगल ने जो सॉफ्टवेयर अपनी प्रोसेसर मेकिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया, इनको बता दिया है कि आप हमने अपना कोड बना दिया है इसके एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन का, आप उसके हिसाब से उस प्रोसेसर डिज़ाइन करें और आने वाले बजट फोन में इस्तेमाल करें। और गूगल ने अपना ऐप डेवलपमेंट भी चालू कर दिया इस पे। इसका ऐप्स ऐसी रहेगी, आपकी रेगुलर ऐप्स तरीकी रहेगी व्हाट्सएप फेसबुक की, और इसकी कम स्पेस लेगी, कम इंटरनल स्टोरेज में कम रैम लेगी, और आपको परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज नहीं आएगा। और इसके ऊपर से इसमें आपको गूगल्स की जो फाइल्स को ऐप है वो भी मिल जाएगी, ताकि आप अपना अनवांटेड डेटा जंक फाइल्स को क्लियर करते रहें। और ये जो फाइल्स को ऐप है, सॉरी एंड्रॉयड ओरियो गो है, गो एडिशन है, ये आपके रेगुलर फोन्स हैं जो फ्लैगशिप वाले आते हैं वन प्लस सैमसंग, इसमें नहीं चलेगा, वहाँ का तो हार्डवेयर कैपेबल है इन सब ऐप्स को चलाने के लिए। ये सिर्फ बजट सेंट्रिक फोन्स के लिए ही ये OS बनाया गया है। आपको ये कम कीमत वाले फ़ोन में ही दिखाई देगा, 4,000-5,000, बाकी आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और इसकी ऐप्स भी इसी के हिसाब से बनाई जाएगी, कम स्पेस में लेगी और आपका कम डेटा खर्च करेगी और आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी देगी आपके फोन के लिए। तो ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था एंड्रॉयड ओरियो गो के बारे में। जो उम्मीद आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिना शेयर करे मत जाइए प्लीज़, समझा करो यार। और हाँ, मिलते रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।